हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गूगल शीट की है और थोड़ा सा एक बार देखते हैं गूगल शीट में क्या होने वाला है। ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही ये टीडीएस जो लिखा हुआ है, यहाँ से हम 12% सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये अमाउंट भी चेंज हो जाता है। आप जैसे मान लीजिए आप 20% कर दिया तो ये अमाउंट अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको 10% रखता हूँ तो ये अमाउंट अपने आप चेंज हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ से जब हम इसको ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ तो ये जो है जीरो हो जाता है। अब ये इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, यहां पर जब मैं रहता हूं तो आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, ये लिखा हुआ है C3 × E3। अब E3 यहां पर है, ठीक है। जब हम इसको ड्रैग करवाते हैं तो अब यहां पर देखिए जरा, यहां पर क्या सिचुएशन है सेकेंड वाले सेल में, यहां पर जब देखिएगा तो C4, अब C4 तो होना ही चाहिए लेकिन E4 हो जाएगा तो E4 में जीरो कुछ भी नहीं मिलेगा इसे, तो जब कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये जीरो से मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे स्थिति में हो जाएगी दिक्कत। तो आपको करना क्या है, इसके लिए सॉल्यूशन बहुत आसान है। सेल एड्रेस आप अगर आपको आता है तो चीजें बहुत क्लियर है, F2 करिएगा और यहां पर 3 को फिक्स कर दीजिएगा। फिक्स कैसे होगा, डॉलर लगाने से। तो ये डॉलर लगा दिया, बस आपका काम हो जाएगा, एंटर कर दीजिएगा। अब इसको अगर आप ड्रैग करवाते हैं तो आप देखेंगे कि सबका रिजल्ट बराबर से बना हुआ रहेगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी।